इस पुण्य भूमि का प्यार है उत्तर पूर्वी भारत। सूरज की पहली किरण चुमे उत्तर पूर्वी भारत, आसाम अरुणाचल मणिपुर नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा सिक्किम मेघालय, विविधता हर संस्कृति पर जी एक ही संग। हर हालात में एक है जैसे इंद्रधनुष के रंग। प्रकृति की आवेश में पले नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मानवता की मिसाल है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट पर। आज हमारे इस कार्यक्रम में एक बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, असम के जाने माने एक ऐसी हस्ती जो सबको हंसाते हैं। लेकिन अब तक उनका आना और हम लोग का अपेक्षा में रहना यही सबसे बड़ी बात हो गई है, और देखते ही देखते चारों तरफ सन्नाटा छा गई है। अच्छा सांभा, कालिया तो कहता है दो है, ये दूसरा कहाँ है? कहाँ है रे दूसरा? तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को? आओ आओ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों ठाकुर, इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने, गब्बर से टक्कर लेने, क्यों निकल गई सब हैकड़ी इनकी, सब हैकड़ी। गब्बर के ताप से बस तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, और वह है खुद गब्बर। और अगर इसके बदले में मेरे आदमी तुमसे थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा चावल मांगते तो क्या कोई जुर्म करते? कोई जुर्म नहीं करते, मैं कहता हूं कोई जुर्म नहीं करते। बस अब और इसके बाद अगर किसी ने सर उठाया तो मैं उसका सर। नमस्ते। नमस्ते जी कमल सिंह जी, मुझे तो एक वक्त में ऐसा ही लगा कि स्वयं अमजद खान यहाँ पर विराजमान है। मैं भूल नहीं सकता, मैंने पिछली बार भी कहा कि कोई कोई कलाकार ऐसे होते हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। अभी तो मैंने किया ही नहीं उनका हंसी, जो मतलब मुझे हंसना सिखाया जिन्होंने, जिनकी हंसी ने। गब्बर सिंह जी की हंसी सलाम करता हूँ, जहां भी हो खुश रहे वो। यतीन है रामजादा का गोलियां, सुअर के बच्चों। इतनी लंबी हंसी आज तक मैंने नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी, और बहुत साल बाद मैं ऐसे लाइव परफॉर्मेंस देख रही हूँ। बहुत खूब कमल जी। थैंक यू। तो आपका ये जो सफ़र है ये बहुत सालों से चलता आ रहा है जी। आपके कई सारे फेवरेट एक्टर्स भी हैं जी हाँ। तो उनमें से आपके फेवरेट रोमांटिक एक्टर कौन है? एक सबसे बड़ी सवाल आपने पूछ दीजिए। सबसे पहले मैं जिसको बहुत पसंदीदा जो है मेरा जी, वो एक ही है, काका साहब, एक समय के राजेश खन्ना साहब। मुझे बहुत ही प्यारा लगते थे, उनका अभिनय, उनका एक्शन कहिए, उनका गाना, जरा सा हो जाए राजेश खन्ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत नाराज हो, तुम कहती नहीं हो, फिर भी हम ये जानते हैं रे कि तुम हमें बहुत चाहती हो ना। अरे तुम छोड़ोगी कैसे हमें, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं रे। राजेश खन्ना साहब कौन सा ढंग में क्या कह जाए, मैं मतलब उनको देखता रहता, मतलब खुद ही रह जाता वैसे हैं। कोई कोई ऐसा भी और ट्रेजिक रोल भी राजेश साहब का मैं भूल नहीं सकता। कोई सिनेमा एक था धनवान जी, वो अपना भाई है, सवाना आजमी उसकी बहू है, लेकिन वो अपने भाई को भाई नहीं कह सकता। वो एक समय ऐसा आ गया कि वो कहने वाला था तो वो ट्रेजिक था, लेकिन राजेश खन्ना कर जाता है राजेश खन्ना के अंदाज में। अरे एक थप्पड़ लगा देता है इसको, अपने समान आदमी के पति को,
फिर जब थप्पड़ मारता है तो आपको क्या हक पहुंचता है कि आप मेरे पति के ऊपर हाथ उठाएं? इतना ही सवाल सबन आजमी ने किया था, तो वो कहना वाला है कि मेरा भाई है वो, लेकिन कह नहीं पाता, वो कुछ है सिनेमा में वैसा ही, लेकिन वही ढंग राजेश खन्ना। अरे अरे, हम इसे एक बार नहीं हजार बार मार सकते हैं, तुम जानती हो ये हमारा। अरे अरे हाँ, अरे हाँ, हम तो ये भूल ही गए कि ये हमारा कोई नहीं। अरे, हमें इस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं पहुंचता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो हमें माफ कर देना। अमर प्रेम में जो था वो भी वैसा ही ट्रेजिक। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, इन आंसुओं को पूछ डालो पुष्पा, छोटी छोटी जी जी जी। तो जिस तरह से आप ट्रेजिक हीरोज को मतलब आप स्क्रीन पर या स्टेज पर उनको आप दिखाते हैं, आपके जीवन में भी एक ऐसा ही लम्हा आया था जब आप असामीज के लैंग्वेज में एक्सीडेंट कहते हैं, यूं तो अंग्रेजी में एक्सीडेंट है लेकिन हमारे गुवाहाटी आते आते वो एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत उन्हें पूछा है, कमलदा अपना एक्सीडेंट कैन के होले, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है वो। ये इसमें भी मजा है, चलिए उसमें भी ये ऊपर वाले के भाई दुआ है, जब 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 जो जो होना है वो तो होता ही है, लेकिन इसमें भी मजा है, हमको मजा आया एक्सीडेंट होने के बाद भी। मैं सुनाता हूँ बाकी। जी जी जी। 2001 में काउंसिल का इलेक्शन था, मैं डिफू गया हुआ था, डिफू से लौटते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। किसी ने पूछा कि आपका ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो मैंने मजाकिया सुर में एक गाना दोहरा दिया कि वो गाना मैंने ठीक से सीखा नहीं था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। मैं निकला गड्डी लेके वो सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उठे पेड़ तोड़ आया। वो कहते हैं यार क्या बात करते हैं कमल जी, बोले हाँ भाई ये तो हो गया जी, अब एक्सीडेंट होना था हो गया। होने के बाद का बाकया ऐसा है कि मतलब वो खुदा कहे ईश्वर कहे उनका भी मर्जी मानना पड़ेगा, हंसी मजाक मेरे साथ लगा ही रहता है। अब ये पांव बिल्कुल मतलब बीच में से घुटने के नीचे टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हो गया, दो टुकड़ा हो गया है। फिर वहाँ फास्ट एड किया गया, थाने के लोग आए, ओसी आए, और रात का वक्त है आपको पता है, रात में जब सारा 11-12 बजे तक वो लोग अपने धुन में होते हैं। कौन है भाई, कहाँ रहते हो? बोले हम डाउनटाउन के पास ही रहते हैं। वो खोरू मटरिया कहता है, अच्छा कौन आदमी है? तो हमने एक नंबर मेरे पॉकेट में लिखा हुआ था, उसका नाम बूब बुरवा, वो आर्टिस्ट कांटेक्ट करता था, उसका नंबर दे दिया, ये है उसको काइंडली खबर कर दीजिए। बोले ठीक है, ये दे दीजिए, आपको भेज रहे हैं हम लोग। कहाँ जाना है? पूछ रहा था कि नियरेस्ट जो जल्दी जाके पहुंचे, हमको ट्रीटमेंट जल्दी कराना है। बोला ठीक है, उन्होंने डाउनटाउन भेज दिया और फोन कर दिया। और जब तक हम वहाँ से जागी रोड से होके आ रहे थे डाउनटाउन, तब रात करीब 1:30 बज चुका था, और हमने सोचा कि कोई मिनिस्टर या कोई बड़ा प्राणी का निधन हो गया है, क्योंकि तब काठ का गेट था, वो पुल था डाउनटाउन में। हाँ, जी, जी। तो पुल से बहुत आगे से मतलब आदमी भरा हुआ है, किसी के हाथ में फूल के माला है, किसी के हाथ में फूल है, लड़के हैं लड़कियां हैं, पहचान नहीं हुआ। अब तो मैं तो सोया हुआ था स्टेशन में ऊपर में, लेकिन ग्लस से देख रहा हूँ कि कोई आदमी मर गया क्या, बहुत भारी बड़ा आदमी ऐसा होगा। तो गया जब अंदर, बस डाउनटाउन के हॉस्पिटल के अंदर घुसे, घुसने के बाद दरवाज़ा खुला गाड़ी का, स्टेशन से उतारा जा रहा है, तो वही बूबू बुरवा मेरा भाई, वो फूलों का माला लेके मेरे पाँव में डाल रहे, बोल दिया। बोले हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले आप जिंदा है? बोले हाँ। तो क्या जिंदा है, क्या हुआ? बोले नहीं, वो जागीर उठाना के उसी ने कहा कि हम कमल सिंह का बॉडी पे भेज रहे हैं। अरे कमलदा, मैंने तो नवग्रह शमशान में जाके वो एक गाड़ी लकड़ी भी रख के आया है, और ये देखिए जेपी दा आया है, ये देखिए सारू गुहा आया, को सब पुराने जितने गायक गायक थे सब आ गए हैं, साथ में जितना साथी है सबको बुला के लाया रात में आपके लिए, आप जिंदा है? बोले चुप। हम सोच रहे ये क्या मजाक है, मरे नहीं है। अब उनका भी अब रात का धुन था, भैया हाँ कमल सिंह का बॉडी भेज रहा हूँ, कह दिया उन्होंने। जी जी। अब देखिए मजाक नहीं छोड़ता मेरी जिंदगी। जी जी। आपकी ट्रेजेडी में भी एक कॉमेडी है। जी जी जी। तो आप हमेशा बॉलीवुड एक्टर्स या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं, तो ऐसे में इस इंडस्ट्री का कोई ऐसा एक एक्टर है? कैसे भूल सकता हूँ,
সন্তান বুলি কব লাগিব অসমতে জন্মগ্রহণ কৰিছো যেতিয়া আসামকে জো ভি কলাকার পুরানে অভি নয় জমানে কে জো হে ও মুঝে নেই আতা লেকিন বচপন সে দেখকর জিসকো বড়া হুয়া হুঁ ভুল নেই পাতা মে অভি উতনে বাল হ্যায় নেই ফির ভি উনকা বোলনে কা ঢং আজ ভি মুঝে পসন্দ হ্যায় আজ ভি বো কর রহে অ্যাক্টিভ হ্যায় নিপন গোস্বামী দা জিনকো ভুল নেই পাউঙ্গা এক সিনেমা বচপন মে দেখা থা বরুয়ার সংসার ইয়া কিয়া নাম থা গাড়ি চালাতে হুয়ে গানা গা রহা থা তো নিপন দা বাল তো অভি নেই আয়েগা লেকিন উনকা মুহ এসা হ্যায় ও এসে মতলব গাড়ি চালানে কে বাদ মে কহিং গাঁও পৌঁছে ফির লড়কি কে মা বাপ সে বাত কিয়া লড়কি সে ভি বাত কিয়া বাদ মে খানা খানে সে খানা খানে কে বাদ মে তো ও নিপন দা কা চেহারা মই কিন্তু তোমালোকর ঘরত প্রথমবার আহিছো দেই আজি ভাত খাম মোক কিন্তু পাৰ মাংসৰ লগত জোল বনাই দিব লাগিব দেই এ নিপন দা মই ভুল নেই পাতা উসমে গানা ভি থা বহুত প্যারা সা গানা লাজ কিয় লাগে সকু কিয় কপে সাও কিনে সাও বুলি সাব কে নুয়ারে নিপন দা ওয়ালা স্টাইল লাজ কিয় উনকা আপনা আন্দাজ হ্যায় গাড়ি চালাতে চালাতে বহুত পছন্দ হ্যায় হমকো জি জি ওবেসে হ্যায় বহুত সারে হ্যায় আলাগ আলাগ লেকিন জো আপ ভাতা হ্যায় ওহি কর লেতে হ্যায় কভি কভি জি হ্যাঁ জি অর এভারগ্রিন হিরোজ কে বারে মে বাত কিয়া জায় তো দেবানন্দ কে বারে মে তো হামে বাত করনি পড়েগি ও তো মে ভুল হি নেই পাতা ও উনকা আন্দাজ এভারগ্রিন অর জিনকো মে মতলব সমঝতা হু কি বৈসা কলাকার ফির দূসরা কই আয়েগা নেই বহুত আচ্ছে কলাকার হ্যায় বো উনকো ভি ইয়াদ কর লেতা হুঁ দেবানন্দ সাহাব দেব সাহাব কা কুছ ঢং হ্যায় বাত করনে কা মে আপকো জানতা হুঁ মে আপকো উনকা বটন হামেশা বন্ধ রহতা হ্যায় ও মেরি তরহ স্টাইল মে আপকো পহচানতা হুঁ ও মেরা ঘর হ্যায় আপ চাহেন তো মুঝসে মিল সকতি হ্যায় আজ ইয়া কল আইয়েগা জরুর দেব সাহেব জরা ঝুকে হুয়ে বহুত প্যারি আন্দাজ মে বাত করতে হ্যায় হামকো বহুত আচ্ছা উনকি এক অলগ হি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ রহতি হ্যায় জি জি ও অলগ হি হ্যায় জি অর আপ তো হামেশা মঞ্চ পর অ্যাক্টিং করতে রহতে হ্যায় জি আসাম কে হর জগহ পর আপনে পারফর্ম কিয়া হ্যায় তো এসা কোই মজেদার আপকে সাথ হুয়া হ্যায় আরে হ্যাঁ ইয়ে তো সবসে মজেদার হ্যায় কি দেখিয়ে ইয়ে বিহু কে টাইম মে জব হাম লোগ কা শো হোতা হ্যায় জি তব ইতনা মজা আতা হ্যায় কিয়া কহুঁ লোগো সে মিলনে কে বাদ ভি মতলব শো করতে বক্ত ভি তো এক শো থা ইয়ে শায়দ ইউনিভার্সিটি সে পৌঁছনে সে পহলে ইয়ে জালুকবাড়ি কে আসপাস কহিঁ পর এক বহুত বড়া বিহু থা হাম লোগো কো 12 বজে বুলায়া গয়া ফির উনহোনে ডিটেন করায়া 1 বজে তক কোই পারফর্মার থা হাম লোগ পারফর্ম করনে কে লিয়ে মঞ্চ পে পৌঁছে তো এসা খেয়াল গিয়া কি ও উইংস হতা না কিনা সাইড মে ও উধার এক লড়কা খড়া হ্যায় ও খড়া নেই হো পা রা আব রাত কা 1:30 বাজা হ্যায় তো খড়া ঠিক সে হো নেই পা রা এসে খড়া হ্যায় মতলব ও বহুত দের সে ও দেখ দেখনা ভি চাহতা হ্যায় হাম লোগো কো দেখতা ভি হ্যায় সুন ভি রিয়া হ্যায় লেকিন ও ঠিক সে সুন ভি নেই পা রি হ্যায় মতলব বীচ বীচ মে এসে রহতা হ্যায় তো বহুত দের তক হামনে আব খেয়াল তো কিয়া হি জাতা হ্যায় আব কাম হি হ্যায় কোন হ্যায় এক বার দেখ লিয়া আচ্ছা ও হ্যায় উসকে বাদ জিউ হি হামারা শো খতম হুয়া সবসে পহলে দৌড় কে নিকলতা হ্যায় রাজীব ক্রু ও পেমেন্ট লেতা হ্যায় কমেডি সে রাজীব ক্রু নিকলা তো ঝট সে উসনে পকড় লিয়া উসকে পাঁও ছু লিয়া দাদা হামনি কি আর্টিস্ট হে বাবা ফাটে দিছে আপনি বাকি কিটা এখন নাই আপনি আপনি আজি বিশ্বাস করক বিরাট ভাল পাইছো দাদা আপনি ও তো সমঝ গিয়া কি ই তো ভাইয়া পুরা মতলব খাপি কে পুরা খাপি ও টুন হে তো ও নিকল লিয়া ঠিক আছে ভাল পাইছো বাবা এ আহি আছে আর ব্যালেক ভি বিজিত জো হাম লোগ কা সাথ মে সফেদ ওয়ালা ও উসকে বাদ গয়া উসকো ভি পেয়াও মে দাদা কি অভিনয় হে আপনার বাকি বিলাক অভিনয় কাম নাই আপনি জি কসে কসে আজি বিরাট ভাল মানবা লাগব দাদা মই আপনাক বিরাট ভক্তি করো ও ভি সমজ গিয়া কি কাটি খাওয়ে ভাই ভাই নিকলো ইয়া সে জলদি কাট যাও ও ভি নিকল গয়া মন মত আ গয়া উসকে বাদ মে ও ধীরে ধীরে নিকলতা হ্যায় ও ইউ হি সবসে ধীরে নিকলনে ওয়ালা হুঁ মে হুঁ মুঝসে পহলে মন মত পৌঁছা উসকো ভি পেয়ার ছু লিয়া বুড়া কি এ বাবা ফাটে দিছে আজি আপনি বাকি কিটার কাম নাই একো আপনি আপনি আজি যেটু অভিনয় করছে কি কয়ে वो मतलब पूरा वो ढूंढ सबको एक ही बात बता रहा है मोहम्मद भी निकल गया आखिर में आप मैं तो हूं लंगड़ा भैया थोड़ा
यूं लंगड़ाते लंगड़ाते चला था ही पैर सुने वाला था। मैं बोला एक था भूल थक बंदी है खान देसी एक पैर तो रहने दे यार। बोले दादा अपना अभिनय बाहर बाकी की दादा एको नहीं मुख धड़क काम तो पकड़ लिया को जब पकड़ी जब उन्हें अपने आप धड़क मुख मैं ले जाऊ ले गया मुझे गाड़ी के गेट तक। मैं सोचा पीने से भी आदमी का दिल बहुत साफ रहता है जी, तो पीने जी, जी, जी। वो गाड़ी में बिठाया मुझे दरवाजा खोला दादा अपनी बहु इमान गरम गर्मी का दिन बिहू के टाइम इमान गरम अपना प्यासी अलग से ठंडा खा बोले तो खाऊंगा ले आओ। इतने समय में सब आ गया राजेश भाई सब पीछे मेरे पीछे वाले सीट में लंबे में बैठते ड्राइवर की वाले सीट बाजू वाला में मैं बैठता हूँ हमेशा तो मैं बैठ गया था। वो जाया फंटा एक खुल के लाया दादा लोग बोलो तो जल गया मतलब वाह देखो इसको बुढ़ा को कितना इज्जत दिया जा रहा है हम लोग को कोई पूछता ही नहीं हमको ठंडा मिल गया फंटा ये अभी पिया नहीं इतना तक उड़ेलने वाला था मतलब इतना तक लाया था अब मतलब जाने वाला है गले में अंदर किया था ठप से पकड़ लिया वो पीने वाला दादा अपने खबर नल के ठंडा खा ले अपने डिंगी पे आज और सो आ सके जाने वो तो ले गया बोतल पीने नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया सुने ना उसके बाद घट 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 वो पी गया वो खुद पी गया। गाड़ी मैंने कहा था अच्छा भाई जाओ कौन जाए थंडर डैम थंडर डैम की मन 12 टका देख 12 रुपये दे दिया बोतल डैम देख 5 टका आई मतलब 17-18 रुपये फिर और भी दिया देने के बाद हाँ थैंक यू दादा जाबो बढ़िया भल पैसे अपना वो जितना बाकी था घट 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 पी गया ये लोग कह रहा है ठंडा खाबो आप देखिए ऐसा भी होता है जी जी ऐसा भी लोगों में मजाक मजाक में पीने तो नहीं दिया ठंडा फंटा वो रह गया मेरे दिल में लेकिन आज भी मुझे याद आता है कहीं अगर फंटा देखता हूँ डरा फंटा खाबो याद आ जाता है। नहीं 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 चाहिए भाई नहीं चाहिए। तो बहुत ही मतलब अलग अलग टाइप्स के लोगों के साथ आपका वाकिफ होता है। जी जी जी। तो हमने सुना है कि आप शत्रुघ्न सिन्हा जी के बहुत ही बहुत बढ़िया नकल निकालते हैं। देखिए एक ही आदमी है जो यूपी से आया हुआ छैला है जो मतलब अपने दम पर रहता है वो कभी किसी का मतलब सुनता ही नहीं है। मुझे बहुत पसंद है उनका बोलने का अंदाज। हाय किस माय के लाल ने ये हिम्मत की नाय शत्रुघ्न मानना पड़ेगा। उनका वॉइस कहां से निकलता है शेरों जैसा। एक शायरी वो बोले थे हमको तो शायरी ही नहीं लगा। इसीलिए तो भाई रूखी सुखी जो मिले पेट भरने के लिए काफी 2 गज है जमी जीने मरने के लिए नाय शत्रुघ्न। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। और ये तो हो गया एक्टर्स के लिस्ट तो कॉमेडियंस में आपको किसकी अरे हाँ, नकल उतारना बहुत, पसंद बहुत, है बहुत, बहुत, बहुत अच्छी आपने याद दिलाई। कॉमेडियन मैं भूल नहीं पाऊंगा एक तो है असरानी साहब शोले में भी थे वो जेलर हुए थे जी। तो उनका मतलब बोलने का ढंग इतना उनका मुंह खोलने का उनका अंदाज हंसने का चलिए असरानी साहब हो जाए जी। अरे हम जानते हैं बिरादर हमसे पूछो अरे आपको कुछ आइडिया है कि नहीं ऐसे नहीं होता काम हमेशा सोच समझ के करना चाहिए और मेरी तरह डरिए मत। असरानी साहब वो हमारे असम में उसे गदगदी मांस कहते हैं गदगदी जो मछली होता जी, जी, उसकी तरह मुंह खोलते हैं लेकिन बहुत मजा आता है उनको भी। और किन का और एक है जो शोले में भी थे और बहुत सारे फिल्मों में थे उनको मैं भूल नहीं पाऊंगा सुरमा वो भोपाली है जी का सुरमा भोपाली। सुरमा भोपाली अरे वाह गर्मा गरियम पराठे कंग फू कराटे घटा घट फटाफट गोद मारा ही हगीना हगीना। मैं समझ में नहीं पाता हूँ कि बोलता क्या है ये हरगिज ना बोलता है या हगीना कुछ बोलता है हगीना हगीना। अरे हवलदार ने पकड़ा थाने में जकड़ा वो भी मेरे साइज की हथकड़ी लगा के घटा घट फटाफट इंगला इंगला कुछ बोलता है लेकिन मजा आता है जगदीप साहब को भी जी। और जाते जाते मैं ये जानना चाहूंगी कि आप आपके जो खुद के मतलब आप गाने भी गाते हैं जी बहुत सारे स्टेजेस में आपने गाने भी गाए तो आप एक गाना गा के सुनाएंगे गाना सुनना है हुँ? अभी क्या विदा होने का समय हो गया? नहीं नहीं अभी भी हमारे पास बहुत सा टाइम है बहुत टाइम है जी जी लेकिन आपका जो मतलब पब्लिक डिमांड होता है अच्छा अच्छा स्टेज पर आप मेरा 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 गाना मैं पसंद एक गाना बहुत अच्छा गाना है वो भूल नहीं पाऊंगा
आप सभी जनता के लिए भी, नॉर्थ ईस्ट के जितने सुनने वाले हैं और आपके लिए भी। ये गाना मैं समझता हूँ ऐसा गाना किशोर दा ने बहुत कम गाया है, एक ही गाना है, मुझे बहुत पसंद है जी, जो आप मंच पर भी गाते हैं। कभी कभी दिल आ जाए तो गा लेता हूँ, कभी कभी मतलब गाने की सुर अगर आ जाए, कोई निकल जाए वैसा सोर्स तो गा देता हूँ। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और यूजुअली ऑडियंस जब आप मंच पर आते हैं जी, सपोज आपने कुछ प्लान नहीं किया हुआ होता जी, जी, तो आपको किस एक्टर्स का ज्यादा डिमांड देते हैं एक्टिंग करने के लिए? मेरे लिए तो अभी तक मेरा सूरत आपको पता ही है, भूपेंद्रा के अलावा, भूपेंद्रा बहुत सारे पसंद करते हैं लोग, भूपेंद्रा मतलब मेरा मिमिक्री में मतलब आ जाता है, कहते हैं लोग आप जब भी आपका चेहरा बहुत मिलता है, मिलता जुलता है, बहुत तो वो तो है ही। चलिए भूपेंद्रा का एक गाना, हिंदी गाना सुनते हैं जी। चलिए, उन्होंने बहुत सारे हिंदी गाने गाए हैं जी, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, उनके अपने फिल्म उनकी म्यूजिक क्या है, मुझे भी पसंद है भूपेंद्रा का गीत। ये गाना असमिया जो मूल है वो बाद में बताता हूँ, पहले हिंदी। दिल हुम हुम करे ए घबराए, मेघ धम धम करे ए गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरे अखियों से ए बरसाए, दिल हुम हुम करे घबराए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं भूल नहीं पाता उनका उनका गला, आज भी याद करता हूँ, जही भी हो हम हमारे लिए आशीष बरसे वो और खुद ही खुश रहे। तो उनके स्टाइल में कुछ आप? हाँ, भूपेंद्रा, भूपेंद्रा में हिंदी भी में बहुत सारे बात किए हैं, वो फिल्म जब कर रहे थे रोदाली तो कहा, मेरे पास आई थी वो छोटी सी लड़की डिम्पल कपाटिया, मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ उसकी, अभिनय बहुत अच्छी है, मुझसे कहा कि मामा मेरे लिए भी गाना हो जाए, तो मैंने कहा हाँ बेटी तेरे लिए भी गाऊँगा और हरदम, और उनके लिए तो मैंने रुदाली में गाया ही, और हमारे दूसरे जो कलाकार हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत हमने गाए हैं। कैसी कैसी गीत बनते हैं वो अपने आप आ जाते हैं, कभी कभी सिचुएशन के ऊपर भी आती है। तो मैंने सबसे पहले एक आरोप में गाया जो किशोर ने भी गाया, जिस गाने को वो असमिया था मूल उसके वर्सन, उसको बनाया गया है, बहुत अच्छा गीत बना है वो। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह शाम, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह शाम, बोलो जी बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। बहुत अच्छा गीत बना था ये, कम्प्लीटली भूपेन हजारिका स्टाइल जी। हाँ, ये असमिया जो गाना है, तुमा रुखा कोहुआ कुमाल ख्यावाली कुमाल हाही, मेरे गीत के ऊपर ही बना। जी 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 जी। तो कमल जी, आज जी, तो हमारा इस कार्यक्रम का मतलब समय समाप्ति आ रही, खत्म हो रहा। जी जी बिल्कुल ही। तो मैं आपसे एक मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे जो ऑडियंस है ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उनके लिए कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं गाने में ही बोल में ही कहता हूँ, बिल्कुल ये गाना बिल्कुल नया भी है, उनको पसंद भी आएगा, लेकिन उसी में सब समाया हुआ है। जी, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र को सुआओं में याद रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम कर दिया। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब कमल जी, और हम आपको हमेशा याद रखेंगे।
आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतने सारे आपने हमें बहुत सारे एक्टर्स की अभिनय दिखाई, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे दर्शक आज जो हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से देखते रहिए गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट, तब तक के लिए नमस्कार। गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट।